कुमार धुबी बाजार के सब्जी बेचने वाले आज कुमार धुबी बाजार में सब्जी की दुकानें नहीं लगाए हैं, जबकि सब्जी की दुकानें आज कुमार धुबी श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में लगाना था। वहां आज सब्जी की एक भी दुकानें नहीं लगा है। आइए जानते हैं आखिर बात क्या है। कुमार धुबी बाजार के सब्जी विक्रेता इनको आज श्रम कल्याण केंद्र में जाना था कि कब जाना था? आज से हम लोग को जाने के लिए श्रम कल्याण केंद्र में ऑर्डर हुआ है, तो हम लोग का श्रम कल्याण केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से ठेला में कोई भी सामान लेके जाएंगे और वहाँ नहीं बिक्री हुआ लाएंगे तो हम लोग को 200-400 रुपया भाड़ा लग जाएगा। हम लोग 200-400 रुपया कमाते हैं, तो 200-400 रुपया हम लोग को कमाई नहीं होगा, हम लोग को नुकसान होगा, तो हम लोग कहाँ से गुजारा करेंगे। इससे अच्छा कि हम लोग सारा दुकानदार मिल के स्ट्राइक पे है कि हम लोग भाई 200 हम लोग कमाएंगे, 400 हम लोग भाड़ा कहाँ से देंगे। श्रम कल्याण केंद्र में ना पानी का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा है, कोई चीज़ का वहाँ सुविधा है नहीं। हम लोग वहाँ पर कहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर प्रशासन से हम लोग यही, मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग का आदेश है कि अगर वो हम लोग ऐसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही रंजन बाबू के पास जगह खाली है, वहाँ हम लोग को दे दे, हम लोग वहाँ बेच लेंगे। ये मार्केट के बगल में है, हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। हम लोग यही चाहेंगे और इससे ज़्यादा हम लोग को अथी नहीं। हम लोग को वहाँ पर कोई व्यवस्था बोल के हाँ बोलिए, हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को कुमार धुबी बाजार के बगल में रंजन बाबू के पास भी जगह खाली है, वहाँ भी हम लोग को एडजस्ट कर दे प्रशासन, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग दुकान लगाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्म के रान के हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह की लगातार खबरों को देखते रहने के लिए बाबा राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।